मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हल्द्वानी को सीएम ने दी 109 करोड़ की सौगात। जोशीमठ के पांडुकेश्वर गांव में रहने वाले राहुल मेहता ने बढ़ाया प्रदेश का मान। गुप्तखाल दर्रे को पार कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय मांग जांच की है मांग। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुई आतंकी हमले के बाद जांच में जुटी एनआईए। धमाके के बाद अंबाला पठानकोट बेस में किया गया अलर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मन की बात को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा देशवासी तक पहुंचा दो वैक्सीन, चाहे मन की बात सुन लो। नमस्कार, उत्तराखंड के खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले की तमाम विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और वंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में राज्य सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो हल्द्वानी में आज विकास कार्यों को लेकर आपको बता दें कि सीएम पहुंचे थे, जहां उन्होंने 109 करोड़ की लोगों को सौगात दी है। आपको बता दें कि आज उन्होंने 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि आज उन्होंने 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं उन्होंने समीक्षा बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और वंशीधर भगत भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मेन मुद्दा है, हम विकास कार्यों में जोर शोर से काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छुए। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, जिस तरीके से आज हल्द्वानी पहुंचे थे सीएम तीरथ सिंह रावत, ऐसे में उन्होंने 109 करोड़ की योजनाओं का सौगात दी है उन्होंने प्रदेशवासियों को, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है अपने नैनीताल जिले में, जिसको लेकर उन्होंने आज जिले की समीक्षा बैठक की और 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास किया और उन्होंने जनता को समर्पित किया। तो जिस प्रकार से 24 योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इनमें से कौन कौन सी परियोजनाएं मुख्य रूप से देखी गई हैं? हेलो, शायद मुकेश हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने आज हल्द्वानी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने आज 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने विकास को अहम मुद्दा बताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबके विकास पर काम कर रही है, ऐसे में हमारा मेन मुद्दा विकास है, जिसमें हम आगे लगातार कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू सके। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आज हल्द्वानी पहुंचे थे सीएम, ऐसे में जो 24 योजनाएं उन्होंने आज जिनका सौगात दी है जनता को, उन योजनाओं में मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? देखिए, प्रदेश की सरकार को ने सीधे दावत करके उनका मोटे पे जनता को विकास के पहिए पर लाना और कहते जितना भी विकास है उनको सौगात देना, इसी के तहत सरकार ने सबसे ज्यादा जो योजना का चाहिए सबका साथ सबका विकास के तहत जो भाजपा का मोटिव है उसी पे काम चल रही है। और तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो भी योजना है उससे सीधे धरातल पर काम हो रहा है, लोगों को सबसे बड़ी योजना का मान के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा जल हर घर जल के जीवन के तहत इसके तहत भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रकार से आज शुभारंभ के साथ साथ उन्होंने योजनाओं का सौगात दी है, साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है, ऐसे में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? सीधे सीधे जो बरसात का
समय है उसको लेकर अधिकारियों को सीधे उन्हें मुख्यमंत्री सीधे निर्देश देंगे कि कोई भी आपदा के समय पर कोई भी किसी तरह की कोताही ना बरती जाए और जनता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन लोगों का विकास के लेकर अगर जनता से कोई शिकायत मिलती है तो उसको धरातल पर लाने के लिए प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे थे जहां पर आज सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने 109 करोड़ की योजनाओं को अमली जामा पहनाया। आपको बता दें कि इसमें 24 परियोजनाएं शामिल हैं जिनका शिलान्यास किया गया है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ गोपेश्वर मुख्यालय बस स्टैंड पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। सरकार जब तक पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश नहीं देती तब तक कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के पौड़ी जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम तीरथ सिंह रावत का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कामेश्वर राणा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी अवसर ढूंढने से नहीं बाज आ रही है। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए महाघोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चौघान पाटा में सरकार का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि आस्था के नाम पर भाजपा ने जो घोटाला किया है उससे आज प्रदेश की छवि खराब हो गई है। सरकार घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों को सख्त सजा दे। अगर सरकार मामले में कार्यवाही नहीं करती है तो ये प्रदर्शन और भी तेज होगा। प्रदेश में हुए कोरोना जांच घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। कांग्रेस कलियर विधायक हाजी फुकरकान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंप कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। विधायक हाजी फुकरकान अहमद ने कहा कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी में फर्जी टेस्टिंग के नाम पर महाकुंभ में बड़े बड़े घोटाले कर करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात करती है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि यह घोटाला उनकी सरकार से पहले हुआ है। सूबे के मुखिया भी मानते हैं कि घोटाला हुआ है। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। तो सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। क्या इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जो एक बहुत बड़ा घोटाला अभी जो हमारे कोरोना टेस्टिंग हुई उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो हमारे जारीन यहाँ पर हरिद्वार महाकुंभ में नहीं आए उनके भी फर्जी टेस्टिंग कराई गई। इस तरह और बहुत से घोटाले होंगे, चाहे विकास का काम हो, चाहे टेस्टिंग का काम हो, और बहुत बड़े घोटाले इसकी आज कांग्रेस पार्टी ने, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर हरिद्वार में धरना प्रदर्शन हुआ था। आज सभी जगह हम कांग्रेसजन इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो यह महाकुंभ हुआ, एक बहुत बड़ा पवित्र स्नान थे, उनमें भी अगर घोटाला होगा तो फिर कहाँ सही रहेगा। तो इसलिए आज हम सब मांग करते हैं कि हरिद्वार कुंभ मेले में हुए कोविड जांच के कथित घोटाले पर प्रदेश में राजनीति गर्माती दिख रही है। कांग्रेस ने कोविड जांच फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बिंदु खत्ता स्थित शहीद स्मारक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और प्रदेश की जनता से माफी मांगने के साथ ही सरकार से इस्तीफे की भी मांग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कुंभ जैसे पवित्र आयोजन में हुए भ्रष्टाचार में प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। कोरोना की महामारी में कई लोग अपने परिवार वालों को उन्होंने खो दिया है, लेकिन सरकार है जो भ्रष्टाचार में मस्त है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सरकार मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार
स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई के साथ ही विकास के मामलों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है, जिसका जवाब जनता आने वाले 2022 के चुनाव में जरूर देगी। देश में फैलाई गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए गवर्नमेंट सरकार जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ कुत्ता दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर, चाहे कुंभ घोटाले हो, इससे पहले भी कुंभ हुए हैं, घोटाले बाद सरकार। पौड़ी विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, पलायन रोकथाम योजना और आजीविका पैकेज मॉडल की समीक्षा की गई। एकीकृत आदर्श किसान योजना के तहत जिले के 15 विकास खंडों में 16 गांवों का चयन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के अंतर्गत गाँव में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें बेहतर तरीके से करवाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है वह भी जल्द ही शुरू करवाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आजीविका मॉडल पैकेज के जरिए जिले के भूमिहीन किसानों को शामिल किया जा रहा है और अलग अलग विभागों से संचालित हो रही योजनाओं का पैकेज बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। रुड़की जिले के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने नवनिर्मित सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। रुड़की के वार्ड नंबर 23 सलेमपुर राजपूतान में 1100 स्क्वायर मीटर सड़क का निर्माण करवाया गया। विधायक देशराज कर्णवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सलेमपुर राजपूतान में जो आंतरिक सड़कें और गलियां टूटी हुई थी उनको 12 लाख रुपए की लागत से मरम्मत का कार्य करवाया गया है। विधायक देशराज ने यह भी बताया कि बरसात से होने वाली जलभराव की समस्याओं से सलेमपुर राजपूतान में काफी लंबे समय से दिक्कतों का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। विधायक कर्णवाल ने आगे बताया कि उनके द्वारा जो भी कार्य पिछले 5 सालों में करवाए गए हैं उनको जनता के सामने जरूर रखेंगे। 1200 स्क्वायर मीटर ये आंतरिक गलियों में जो टूटी हुई हैं गलियां सलेमपुर में, उनके निर्माण के लिए ये 1100 स्क्वायर मीटर की सड़कें हैं लगभग 12 लाख रुपए की। और जो सड़कें गलियां टूटी है उसके लिए ये पैसा स्वीकृत हुआ है। और नगर निगम से जो अभी मुझे पार्षद जी ने बताया कि एक गली इसमें नगर निगम से बन रही है तो उसके स्थान पर दूसरी गली तो वो बनाई जाएगी। और चूंकि यह आवश्यकता थी, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है एक तरह से जो है अम्बेडकर वादियों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, तो इसमें ये आंतरिक गलियां। उत्तराखंड के सीमांत प्रखंड जोशीमठ के पांडुकेश्वर गांव के रहने वाले राहुल मेहता ने राज्य का नाम रोशन किया है। बता दें कि राहुल मेहता ने साल 2020 के अक्टूबर महीने में सबसे दुर्गम माने जाने वाले 5830 मीटर गुप्तखाल दर्रे को पार कर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से राज्य का नाम रोशन हुआ है। इस हिडन पास को पहली बार ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने सन 1933 में सफलतापूर्वक पार किया था, जिसके बाद 77 वर्षों के बाद 2010 में दिल्ली के पर्वतारोही दल और 2019 में बेंगलोर के दल ने इस दर्रे को पार किया। नमस्कार, सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एप्रिसिएशन लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में जब हमने गुप्तखाल का ट्रैक करा था तो उससे ठीक 1 साल पहले हमने सोचा था कि कभी करेंगे इस ट्रैक को। बहुत ही दुर्गम ट्रैक है और दूर दूर तक इसके कोई गाइड भी नहीं हमको मिले। फिर भी हमने लगभग हर मैप, गूगल मैप और 2-3 मैप सर्च मार के या किसी से ले करके उन मैप के सहारे हमने पूरी वैली को सर्च करा और मतलब
प्रैक्टिकली जब हमने ये ट्रैक शुरू करा था, गमसाली से शुरू करा था 7 तारीख को, तो जब गमसाली से हम निकले थे पहले दिन के पड़ाव पे एरी ओडीआर तो बहुत इजी था। फिर एरी ओडीआर से हम दूसरे दिन रतावन ग्लेशियर, फिर रतावन ग्लेशियर से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया क्योंकि उस माह में हमको लगा कि थोड़ा बर्फ़ होगा लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ तो कहीं थी ही नहीं, हर जगह क्रिवासेस थे, सब ओपन क्रिवासेस थे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उस बीच हमारे कुछ मेंबर भी थे जिनको आगे चल के नशे को कहें अलविदा अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना रानीपुर इलाके में पुलिस ने उगे हुए भांग के पौधों को नष्ट किया। भांग के पौधों को नष्ट करने के अभियान में पुलिस के अलावा शिवालिक नगर पालिका और व्यापार मंडल के लोग भी शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक इन भांग के पौधों से लोग नशा करते थे। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि इन भांग के पौधों की झाड़ियों में कई लोग बैठकर इसका जूस निकालने का भी काम कर रहे थे। इसके जूस को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए अभियान चलाकर इसे नष्ट किया गया है। इसके अलावा भविष्य में BHL क्षेत्र में इस तरीके के पौधों को नष्ट कराया जाएगा। नशे के विरुद्ध यह अभियान हम आगे भी जारी रखेंगे। लालकुआ के नगीना कॉलोनी वासियों को रेलवे प्रशासन ने बीते दिनों मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। रेलवे प्रशासन ने लोगों के घरों पर नोटिस चिपका करते हुए एक हफ्ते का समय दिया था, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। कॉलोनी के लोग स्थानीय प्रशासन से घरों को ना खाली करवाने की गुहार लगा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कॉलोनी पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और जल्द ही इस मामले का हल निकाला जाएगा। विधायक का कहना है कि मामले को लेकर उन्होंने नैनीताल सांसद अजय भट्ट से बात की है और जल्द ही CM से मिलकर उनके सामने इस मुद्दे को भी रखा जाएगा। कि कल रेल विभाग ने इस कॉलोनी के लोगों को नोटिस दिया ऐसा जानकारी में आया और मैंने उसके बाद कल ही मुझे यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधि में ज्ञापन भी दिया। मैंने उसके बाद यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट से वार्ता की और वार्ता करने के बाद कई बिंदुओं पर अपना विषय रखा कि अनावश्यक तोड़फोड़, व्यर्थ में जो है किसी का उत्पीड़न, जिसकी ज़रूरत न हो ऐसी ज़रूरत को कैप्चर करना, ये विषय नहीं होना चाहिए। उसके बाद शाम को उसके बाद ये लोग माननीय सांसद जी के पास गए थे। सांसद जी ने भी रेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, उच्च अधिकारियों से। शाम को मेरी भी सांसद जी से बात हुई और मैंने माननीय सांसद जी से अपनी तरफ से भी आग्रह किया कि आप भी जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में बात कर लें। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मैं संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गोपाल, जिस तरीके से लालकुआं से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर नगीना कॉलोनी वासियों के लिए इस वक्त रेलवे प्रशासन कहर बनकर टूटे हैं, ऐसे में उनके घरों के बाहर जो नोटिस चिपकाए गए हैं उनका कारण क्या है? मैम, मैं आपको बताते हुए चलूं कि लालकुआ एक जंक्शन बॉक्स रेलवे का जंक्शन है, जहाँ पर रेलवे वहीं पर नगीना कॉलोनी लगी हुई है रेलवे से सटे हुए, और रेलवे उस पर अपना दावा ठोकती है। वो कहती है हमारे यहाँ जमीन में ये अतिक्रमण है और इसके द्वारा और उनके द्वारा बीते कुछ दिन पहले 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जो रेलवे वहाँ पर अपना विस्तारीकरण कर रही है। से ये पूरा मामला सामने आया है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जिसमें साफ तौर बोला गया है कि वो अपने घर खाली कर दें, ऐसे में क्या उनके रहने का कोई दूसरा इंतजाम रेलवे प्रशासन कर रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई भी बात सामने आई है? नहीं मैम, ऐसे कोई भी बात नहीं आई है सामने कि रेलवे उनका कोई इंतजाम करे। रेलवे ने नोटिस में साफ साफ लिखा है कि वह अपना 7 दिन के अंदर कहीं भी इंतजाम कर ले, वरना रेलवे इस पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। उनके घर जो भी बने हैं वहाँ वो अतिक्रमण क्षेत्र में है, वो रेलवे से लगे हुई एक नगीना कॉलोनी बसी है उस पर। जी, तो गोपाल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, 7 दिन का नोटिस भी मिल चुका है जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में जो पीड़ित परिवार हैं जो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें घर खाली करने का नोटिस मिल चुका है, उन लोगों का इस वक्त क्या कुछ कहना है? क्या आगे वो किस प्रकार से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने वाले हैं? हाँ, उनका कहना यह है कि शिष्टमंडल कल सांसद अजय भट्ट जी से भी मिलने गया था,
और भटजी से बात करी और भटजी के द्वारा एक रेलवे बड़े अधिकारी के साथ फोन पर वार्ता करके उनको आश्वासन दिया गया कि रेलवे अनुचित तरीके से वो उनके मकान वगैरह नहीं तोड़ेगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी उतना ही करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालकुआं से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर इस वक्त नगीना कॉलोनी के लोगों के लिए आशियाने का संकट बना हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त रेलवे प्रशासन ने उनके घरों के बाहर एक हफ्ते का अल्टीमेटम का नोटिस चिपका दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सभी लोगों को 7 दिनों के भीतर अपने मकान को खाली करना होगा। ऐसे में लगातार जनता सरकार से अपील कर रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। रुद्रप्रयाग में पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी। बारिश के चलते तमाम फसल बर्बाद हो गई। भटवाड़ी गांव के पास सड़क का मलबा गिरने से नुकसान को लेकर प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को फसलों के नुकसान की जानकारी समय पर दी गई थी, उसके बाद भी कोई भी मुआवजा उन्हें नहीं मिला है। गाँव के पूर्व सैनिक तीरथ सिंह का आरोप है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग की लापरवाही के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। सड़क पर कहीं भी नाली नहीं बनवाई गई है, जिसकी वजह से सारा पानी सड़क के नीचे एक भीषण नाला बनकर आया और पूरे मलबे को खेतों तक पहुंचा दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।